नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप शर्मा, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों हाजिर हूं एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन लेके आप सभी के लिए। तो दोस्तों अगर आप भी एक पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं, आपका भी पीएफ कट रहा है, आपकी सैलरी से पीएफ का पैसा कट के जो है जमा हो रहा है, तो जब आप ईपीएफओ का जो जहां पर हम अपनी पीएफ की पासबुक और जो है क्लेम स्टेटस देखते हैं, उस वेबसाइट को, उस पोर्टल को जब आप ओपन करते हैं, जैसे ही ईपीएफओ मेंबर पासबुक को ओपन कर लेते हैं इस पोर्टल को, और यहां पर आप अपना 12 डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और यहां पर पासवर्ड और ये जो पूछता है आपसे क्वेश्चन यहां पर मेंशन करके लॉग इन साइन इन कर लेते हैं। जैसे ही आप लॉग इन करते हैं उसके बाद यहां पर सेलेक्ट मेंबर आईडी का जो ऑप्शन है और यहां पर एक छोटा सा बॉक्स है, इस पर क्लिक करके आप अपनी जो है पासबुक जो मेंबर जो आईडी है उसको जैसे आप सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद जब आप क्लिक करते हैं व्यू पासबुक ओल्ड फुल पर अपना पीएफ का बैलेंस चेक करने के लिए, अपने पीएफ की पासबुक चेक करने के लिए, तो यहां पर लिखा आता है पासबुक नॉट अवेलेबल टू दिस मेंबर आईडी एज दिस पर्टेन टू एग्जाम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट आई ट्रस्ट। और इसके अलावा जब व्यू पासबुक न्यू ईयरली पर जब क्लिक करते हैं तो यहां पर भी सेम ही मैसेज देखने को मिलता है, पासबुक नॉट अवेलेबल टू दिस मेंबर आईडी एज दिस प्रिटेन टू एग्जाम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट आई ट्रस्ट। तो दोस्तों जब आप अपनी पासबुक चेक करते हैं तो आपको भी इस तरह का जो है मैसेज आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल से, अच्छी तरह से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं इस तरह की टेक्निकल हेल्प नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं, मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये है जब आप अपनी पासबुक चेक करते हैं और इस तरह का मैसेज आपके सामने आता है, तो इसका मतलब ये है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो एक छूट प्राप्त संस्था, यानी कि ईपीएफओ की तरफ से छूट प्राप्त संस्था है, और वो अपने कर्मचारी जितने भी उसके जो इम्प्लॉय है उनका जो पीएफ का जो पैसा है वो खुद मैनेज करते हैं। ईपीएफओ के पास उनका पैसा, इम्प्लॉय जैसे कि उनका जो इम्प्लॉय जो रहता है यानी कि कर्मचारी जो रहता है, उनका पीएफ का पैसा ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास जमा नहीं होता। उनका पीएफ का पैसा यानी कि वो अपना कर्मचारियों का, अपने जो इम्प्लॉय हैं उनका पीएफ का पैसा खुद ही मैनेज करते हैं। तो अगर आपको भी इस तरह का एरर मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपकी जो कंपनी है, आपके जो जहां पर आप काम कर रहे हैं जिस ट्रस्ट में, वो एक छूट प्राप्त संस्था है ईपीएफओ की तरफ से, और वो अपने जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी उनके जो इम्प्लॉई हैं, उनका पीएफ का पैसा जो है वो खुद मैनेज कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपना पीएफ की पासबुक चेक करनी है, या फिर पीएफ का बैलेंस जो है अगर आपको पता करना है, या फिर एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है, या फिर पूरा पीएफ का पैसा निकालना है, तो आपको अपनी कंपनी में ही बात करना पड़ेगा। अपनी कंपनी का जो एचआर एडमिन रहता है उनसे बात करना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि मेरे को एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है, या फिर मेरे को पूरा पीएफ का पैसा निकालना है, या फिर मेरे को पता करना है कि मेरा टोटल पीएफ का पैसा कितना हो गया है। तो अगर आपको भी इस तरह का एरर मैसेज आ रहा है, इस तरह से जो आपको मैसेज शो हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपकी जो कंपनी है जहां पर आप काम कर रहे हैं वो छूट प्राप्त संस्था है ईपीएफओ की तरफ से, और आपको अपनी कंपनी में ही बात करना पड़ेगा एचआर या फिर एडमिन डिपार्टमेंट से, वो ही आपका पीएफ का जो है सारा काम करेंगे। यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ऐसी संस्था में काम कर रहे हैं जो कि छूट प्राप्त संस्था है, तो आप ईपीएफओ जो फैसिलिटी देता है अपने पीएफ अकाउंट होल्डर्स को, अपनी मेंबर को, कि भाई एडवांस में ऑनलाइन पीएफ का पैसा निकालना, या फिर जो है पूरा पीएफ का पैसा ऑनलाइन निकालना ईपीएफओ का जो मेंबर पोर्टल है वहां पर जाकर, तो आपको ये जो फैसिलिटी है ईपीएफओ की तरफ से नहीं मिलती, आपको अपनी कंपनी में ही बात करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ एक और जानकारी कि कंपनी ओनली पीएफ का पैसा आपका जो है मैनेज करती है, पेंशन का जो पैसा रहता है, पेंशन अंशदान का ये वाला पैसा, ये जो पैसा है पेंशन का, ये ईपीएफओ के पास ही जाता है। तो कंपनी जो है ओनली पीएफ का पैसा जो है मैनेज करती है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की आपको पसंद आई होगी, और आशा करता हूं इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।